नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीतापुर जंक्शन से चल रहे मैलानी की तरफ रेल विद्युतीकरण की, जिसमें आज सीतापुर जंक्शन साइट ओएचई वैन की मदद से यहां पर लिंकिंग की गई, जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य हुए हैं लखीमपुर तक, वायरिंग का काम पूरा हो गया है। और जैसा आपको पता है कि सीतापुर जंक्शन पर जहां पर एसएसपी है, उसके आगे से, उसके आउटर से, लेवल क्रॉसिंग के बाद से केपीटीएल ने वायरिंग का काम शुरू किया था। पूर्व में मैं वीडियो दिखा चुका हूं, चैनल पर मौजूद है। ये है सीतापुर जंक्शन का एसएसपी। अगर आप सीतापुर जंक्शन से लखीमपुर स्टेशन की दिशा में गोला की तरफ मैलानी के रूट पर आगे बढ़ेंगे, तो लेफ्ट हैंड पर, बाएं हाथ पर कर्व के बाद, शार्प कर्व है एक राइट हैंड, उसके ठीक बाएं हाथ पर ये एसएसपी बनाया गया है, जिससे कि लखीमपुर वाली लाइन में 25,000 वोल्ट का जो करंट है उसको फीड किया जाएगा और वोल्टेज को स्टेबल रखा जाएगा। ये सामने आप देख सकते हैं, शुक्रवार के दिन नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले दोपहर में ये ओएचई वैन और साथ में वेगन और कॉपर के जो वायर्स हैं, रोल, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और तकरीबन 10 पोल्स के आसपास जो वायरिंग का काम है ब्रैकेट्स पर लगाने का, वो रह गया था, जिसको कि अब कंप्लीट किया जाएगा। और इस लिंकिंग के साथ जो लखीमपुर स्टेशन के आउटर पर जहाँ पर एसएसपी बन रहा है राइट साइड पर, उसके पास एक स्टॉप का लाल रंग का साइन बोर्ड लगा दिया गया है केपीटीएल के द्वारा बोर्ड, वहां तक का जो ये सेक्शन है फिर पूरा अब 25,000 वोल्ट से एनर्जाइज हो जाएगा। इसमें 25,000 वोल्ट की करंट अब दौड़ जाएगी। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से कोच के ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है उसकी मदद से ये एसएसपी के आगे के पोल्स हैं। यहां पर भी देखिए स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है। यहां से लेकर के लेवल क्रॉसिंग के बाद वाला जो पोल है, जहां पर से वायरिंग का काम शुरुआत हुई थी लखीमपुर की दिशा में, जो तार बांधा गया था, उसको लिंक कर लिया जाएगा, कनेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक वैसे ही कुछ कुछ जैसे डालीगंज से सीतापुर जंक्शन के बीच जब रेल विद्युतीकरण का कार्य हुआ था, तो डालीगंज जंक्शन की तरफ बाद में तकरीबन 8-10 पोल्स जो थे उनको लिंक किया गया था, क्योंकि डालीगंज जंक्शन पर करंट 25,000 वोल्ट दौड़ रही थी। ठीक उसी प्रकार से सीतापुर जंक्शन, क्योंकि एनर्जाइज है तार यहां पर, उसकी लिंकिंग अब हो जाएगी। तो उसके बाद ये हरगांव होते हुए लखीमपुर तक पूरा का जो ये रेलखंड है पूर्वोत्तर रेलवे का हमारे लखनऊ मंडल में, ये 25,000 वोल्ट से एनर्जाइज हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओएचई वैन आगे खड़ी है, ठीक उसके ठीक पीछे एक वैगन के ऊपर कॉपर के रोल्स हैं, वायर हैं, और उसके ठीक पीछे जो कोच चलती है उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पर सारा टेक्निकल स्टाफ खड़ा हुआ है और वो इस वायरिंग के काम को अंजाम दे रहा है, उसको पूरा कर रहा है। और सीतापुर जंक्शन की दिशा में जो एसएसपी है जहाँ पर, वहाँ से फिर आगे ये जो वायर है तकरीबन 100 मीटर या 200 मीटर का सेक्शन होगा, ये इसको आप मान के इस तरह चलिए 10 पोल्स के आसपास, तो उस पर जो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, उन पर अब वायर लगाने का काम किया जा रहा है, फिर इसको फाइनल कर लिया जाएगा। तो उसके बाद फिर ये पूरा रेलखंड लखीमपुर तक एनर्जाइज हो जाएगा। जगह जगह हर स्टेशन पर आपने देखा, पूर्व में भी मैंने वीडियो में दिखाया था, चाहे हरगांव हो, लखीमपुर हो, वहाँ पर स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर हर जगह खतरा, डेंजर, 25,000 वोल्ट करंट दौड़ रहा है। इस प्रकार से कॉशन के, सावधान करने के जो साइन बोर्ड्स हैं, चाहे वो पैदल पुल हो या स्टेशन की जो प्रेमिसेस हो, सब जगह लग गए हैं, ताकि आम जनता होशियार रहे, इस चीज़ से सचेत रहे कि जो तार हैं इनमें 25,000 वोल्ट का करंट जो है वो दौड़ रहा है। तो आप अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए जो ओवरहेड हमारी वायरिंग है या जो पोल्स हैं उनसे आप दूर रहिए, उसके नज़दीक मत आइए। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं सीतापुर जंक्शन का आउटर है, ओएचई यहाँ पर खड़ी हुई है, ये लखीमपुर वाली लाइन है हमारी, और आगे की दिशा जो है ये लखीमपुर स्टेशन की दिशा है हरगांव की तरफ की, जिस पर वायर एसएसपी से लेकर के आगे लेवल क्रॉसिंग की तरफ
ये आप देख सकते हैं टेक्निकल स्टाफ लगा हुआ है और किस प्रकार से वायरिंग को यहाँ पर किया जा रहा है कंप्लीट, क्योंकि ये छोटा सा एक सेगमेंट रह गया था जिसके बाद पूरी लाइन कनेक्ट हो जाएगी मेन सीतापुर जंक्शन से, और जिसके बाद लोको ट्रायल जब भी आप चाहें कर सकते हैं। नवंबर में ही उम्मीद है, मुझे लग रही है लोको ट्रायल की, हो सकता है अक्टूबर के लास्ट तक लखीमपुर तक ट्रायल करें, ये तो जैसा भी आगे होगा हम आपको अपडेट उसकी बिल्कुल देंगे। फिलहाल अभी इस सेक्शन को जोड़ लिया जाएगा और उसके बाद टावर वैगन से उसकी सहायता से फिर पूरी लाइन का रेलखंड का निरीक्षण होगा। जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आरबीएनएल के जगन्नाथ मिश्रा जी और केपीटीएल के भी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टाफ हैं, वो बिल्कुल इस सेक्शन को चेक करेंगे अपने स्तर पर। कार्य बहुत अच्छा हुआ है, बहुत तेज़ गति के साथ यहाँ तक पूरा हुआ है और उम्मीद है कि ये सेक्शन जुड़ने के बाद अब लखीमपुर के आगे फरधान की तरफ और आगे गोला की साइड जिस प्रकार से मास्ट डाल दिए गए हैं, तो उस दिशा में भी फिर आगे अब वायरिंग का काम शुरू होगा। दो हफ्ते अभी पूरे अक्टूबर के हैं, अगर तेज़ रफ्तार से काम किया गया तो फरधान तक अक्टूबर में हर हाल में काम कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कोई शक नहीं है कि ये वायरिंग का काम ना कंप्लीट हो पाए। दो हफ्ते में लगभग लखीमपुर से फरधान तक का जो सेगमेंट है, मुझे लगता है ये कर लेना चाहिए, हो जाएगा 31 अक्टूबर तक। और उसके बाद अगर नवंबर में गोला तक ही सीआरएस इंस्पेक्शन अगर कराए जाने की जैसी खबरें आ रही हैं और जैसा चाह रहे हैं हाई ऑफिशियल्स रेलवे के, क्योंकि फ्रेट आती है गोला तक कि पूरा सेक्शन हो जाए, तो एक साथ ही सीआरएस करा दिया जाए, तो देखना होगा आगे कि जो सीआरएस इंस्पेक्शन होगा वो पूरा गोला तक होता है या अगर कुछ लोकल जो हमारे लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस, सांसद या एमएलए, जो विधायक हैं हमारे लखीमपुर साइड के, अगर उनका दबाव रहा कि रेलगाड़ी चलानी है तो लखीमपुर तक क्या सीआरएस करा के फिर, जैसे पूर्व में हुआ था पैसेंजर ट्रेन चल गई थी, तो क्या मेमू रेलगाड़ियां लोकल्स में, क्योंकि आईसीएफ रेक वाली तो अब पैसेंजर ट्रेन रेलवे बोर्ड ने भी मना कर दिया है, लगभग सबको वो एक्सप्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लखीमपुर तक अगर रेल विद्युतीकरण का कार्य ओके हो गया और अगर अंडर प्रेशर यहां तक सीआरएस होता है तो मेमू ट्रेन फिर लखीमपुर तक आ सकती हैं। तो ये मेरा अपना कयास है, ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कार्य हो रहा है सीतापुर में, और बैलास भी यहाँ देखिए काफ़ी ढेर है अभी साइड में लगा हुआ है, क्योंकि सीतापुर जंक्शन से आगे दोहरीकरण का कार्य रोजा की तरफ चल रहा है, तो यहाँ पर जगह काफ़ी है, तो हो सकता है बैलास्ट यहाँ पर इसलिए ढेर कर लिया हो, पास ही में है लोकेशन, ये सड़क के भी पास है, सड़क मार्ग से यहाँ पर कनेक्टिविटी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से अब ओएचई वैन कार्य कर रही है, स्टाफ यहां पर, तो टेक्निकल काम है ये सब, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये सेक्शन पूरा एनर्जाइज हो जाएगा सीतापुर के एसएसपी में लिंक होते ही, और उसके बाद उम्मीद अब सबको यही है कि जल्द से जल्द रेलगाड़ियां वापस इस रेलखंड पर बहाल हों, लखनऊ सीतापुर मैलानी रूट पर, क्योंकि एक ट्रेन भी अगर चल जाए कोविड स्पेशल करके ही चल जाए तो यात्रियों को बहुत लाभ हो जाएगा। अब हर रेलखंड पर, हर सेक्शन पर तकरीबन ट्रेन्स चल पड़ी हैं और त्योहारों का सीज़न आ रहा है, अगले महीने दीपावली है, तो उम्मीद यही हो रही है छठ पूजा आएगी कि लखीमपुर रूट पर भी चाहे गोमती नगर एक्सप्रेस को ही स्पेशल कोविड स्पेशल करके चला दिया जाए, ताकि जो यात्री हैं उनको कुछ लाभ हो इस रेलखंड के, उनको एक सुविधा मिले। तो यहाँ पर लिंकिंग का कार्य आज शुक्रवार को शुरू हो गया है, जिससे लखीमपुर वाला जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वो सीतापुर जंक्शन से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से धीमी गति से ओएचई वैन आगे चल रही है और एक एक पोल पर किस प्रकार से टेक्निकल स्टाफ वायर को बांध रहा है और इसको फाइनल किया जाएगा। तो मुझे लगता है कल तक एक दो दिन में ये पूरा जो सेक्शन है हमारा ये फाइनल हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से ओएचई वैन धीमी गति से एक एक पोल से आगे बढ़ते हुए, ठीक उसके पीछे वैगन है, उस पर आप देख सकते हैं कॉपर के वायर रोल्स रखे हुए हैं, उसके ठीक पीछे कोच है,
जिसके ऊपर प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर टेक्निकल स्टाफ। तो धीरे धीरे करके जो वायरिंग का काम है इसको फाइनल किया जा रहा है। पहले वायर लिंक हो जाएगा, उसके बाद ये देखिए किस प्रकार से ब्रैकेट असेंबली यहाँ पर है, जहाँ पर पोल्स के ऊपर किस प्रकार से ये लोग चढ़ करके उसको नीचे ला रहे हैं, खींच रहे हैं, और किस प्रकार से उसमें वायर जो है कसा जाएगा। तो वायरिंग का काम लगाने का जो है, तार लगाने का, वायर लगाने का ये चल रहा है सीतापुर लखीमपुर रेलखंड पर, आउटर पर। धीमी गति से ओएचई वैन कोच के साथ और तार के बंडल के साथ जो लेवल क्रॉसिंग है आगे उस दिशा में बढ़ती हुई लखीमपुर के डायरेक्शन में, देखिए किस प्रकार से एक एक पोल के पास जाकर वो रुकते हैं और किस प्रकार से जो ब्रैकेट्स हैं उनको किया जा रहा है। ये देखिए शाम का वक्त हो गया है अब, और ओएचई वैन देखिए वैगन के साथ सीतापुर जंक्शन की तरफ आते हुए, जहाँ पर देखिए डबल ट्रैक के लिए आपको ये स्लीपर्स भी दिख रहे होंगे जो ट्रैक्स डाले जा रहे हैं, कंक्रीट के स्लीपर्स। घास वगैरह उगाई क्योंकि अभी यहाँ पर कार्य हो नहीं रहा है, तो आप ओएचई वैन साथ में देख सकते हैं, उसके पीछे वैगन जिसपे कॉपर का रूल्स हैं, तार के बंडल, उसके ठीक पीछे कोच हमारी आ रही है जिसमें टेक्निकल स्टाफ सारा चढ़ करके जिस पर से वायरिंग का काम करता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का। तो ये अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि नवरात्रि में कम से कम सीतापुर जंक्शन से लेकर के लखीमपुर तक का जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है वो पूरा ओके हो जाएगा एक प्रकार से, और उसके बाद देखना होगा किस प्रकार से आगे देवकली होते हुए फरधान और फिर गोला तक क्या तय समय सीमा पर KPTL कर पाती है कि नहीं, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल ग्रुप है। तो उम्मीद है वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।